वेलकम टू वंस अगेन मोहन सेठी क्लास। तो जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में 8th स्टैंडर्ड का मैथ पढ़ा था, 8th स्टैंडर्ड के मैथ में हमने फर्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट किया था, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं। तो जो हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसमें हमने क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी, हमने किस पढ़ा था कि किस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और किस तरह से रैशनल नंबर जो हमको क्वेश्चन में दिया होता था, रैशनल नंबर को हम लोग किस तरह से नंबर लाइन पर इंडिकेट करते थे। मतलब जो भी हमें परिमेय संख्याएं जो हमें दी होती थी, उन परिमेय संख्याओं को हम लोग किस तरह से संख्या रेखा पर दर्शाते थे, ये चीज हमने अपने पिछले प्रैक्टिस सेट मतलब पिछले प्रश्न संग्रह में हमने पढ़ लिया है। तो वो तो सभी को समझ में आ गया होगा और आप लोग ने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली होगी, राइट। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम आगे जो सीखेंगे वो है कंपैरिजन करना। कंपैरिजन करना मतलब होता है कि क्रम संबंध निर्धारित करना कि दो संख्याओं के बीच में मतलब दो नंबर्स के बीच में कौन से नंबर्स बड़े होते हैं और कौन से नंबर छोटे होते हैं, मतलब कौन सी संख्या बड़ी होती है और कौन सी संख्या छोटी होती है, ये अब हम यहाँ पे सीखेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 3 और यहाँ पे दिया हुआ है 5। ये एक नॉर्मल मैंने नंबर आपको दे दिया है, मतलब एक नॉर्मली संख्या आपको बताई है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। तो अब हमको हमको तो सबको पता ही होगा कि इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो आप देखते ही पहचान जाओगे कि 5 जो नंबर है वो क्या है, बड़ा नंबर है, और 3 जो नंबर है वो क्या है, छोटा नंबर है। मतलब 5 वाली संख्या बड़ी है और 3 वाली संख्या क्या है, छोटी है। तो हम लोग आप लोगों ने ये चिन्ह के बारे में तो पता ही होगा आप लोगों को, राइट। ये जो चिन्ह है आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो अगर यहाँ की संख्या बड़ी होती है यहाँ की संख्या से, तो ये जो मार्क आता है ये किस साइड आता है, इस साइड आता है, ये चिन्ह इस तरह से आएगा यहाँ पे। और अगर यहाँ की संख्या बड़ी होगी यहाँ की संख्या से, मतलब यहाँ का नंबर अगर बड़ा होगा यहाँ के नंबर से, तो ये वहां पे कौन सा साइन लगेगा, ये वाला साइन लगेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पे हमने 3 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, तो 3 और 5 में से कौन सा नंबर हमारा बड़ा है, 5 नंबर बड़ा है। तो ये वाला साइन आएगा या ये वाला साइन आएगा, ये वाला साइन, क्योंकि ये साइड की राइट हैंड साइड के नंबर बड़ा है, तो राइट हैंड साइड का नंबर बड़ा है तो कौन सा ही आएगा, ये वाला राइट का। ये सभी को समझ में आ गया। इसके बेस पे एक एग्जांपल और देख लेते हम लोग। यहाँ पे 15 है, मतलब 15 है, और यहाँ पे 10 है, राइट। अब ये दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 15 ये नंबर बड़ा है और 10 ये नंबर क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, ये वाला साइन आएगा इस तरफ का। मतलब एक चीज आप ध्यान में रखिए, जिस तरह की संख्या बड़ी होगी वो चिन्ह का जो मुंह होता है वो हमेशा वो संख्या के सामने आएगा, मतलब वो नंबर के सामने आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये तो हो गया हमारा सिंपल। अब आगे मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो चीज आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर वो आपने ध्यान दे दिया तो आपको जो लॉजिक है वो समझ में आ जाएगा। तो अभी ये तो हमने कर लिया पॉजिटिव नंबर के, मतलब धनात्मक संख्या के। अब हम देखते हैं कि ऋणात्मक संख्या का, मतलब निगेटिव नंबर का किस तरह से होता है। अब यहाँ पे हो गया समझो 3 और यहाँ पे हो गया -5। अब यहाँ पे है एक पॉजिटिव नंबर और ये क्या है, निगेटिव नंबर है, मतलब एक धनात्मक संख्या है और एक ऋणात्मक संख्या है। तो यहाँ पे आप ये चीज ध्यान में रखिए कि जो पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर हमेशा निगेटिव नंबर से बड़ा होता है। अभी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -5 है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। तो अभी मैंने जो आपको बताया उसके बेस पे ही आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि 3 बड़ा है या -5 बड़ा है। तो ये हमारा पॉजिटिव नंबर मतलब धनात्मक संख्या हो गई, और ये ऋणात्मक संख्या। तो मैंने आपको क्या बताया, धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। तो यहाँ पे 3 और 5 में से कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, 3, तो ये वाला साइन यहाँ आ जाएगा, राइट। अभी एक और देख लेते हैं। अब यहाँ पे है -10 और यहाँ पे है -3। अभी ये दोनों नंबर्स में से हमें पहचानना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो अगर आप देखोगे तो दोनों साइड पे, राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे, दोनों साइड पे आपको जो नंबर्स दिए गए वो कौन से नंबर्स हैं, निगेटिव नंबर्स है, मतलब ऋणात्मक संख्या दी गई है। तो ऋणात्मक संख्या के लिए आप एक चीज ध्यान में रखिए कि ऋणात्मक संख्या में जो छोटे नंबर होते हैं
वो हमेशा बड़े नंबर से बड़े होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 10 के आगे माइनस लगा है, मतलब ऋण लगा है, और 3 के आगे माइनस लगा है, तो आप एक मिनट के लिए ये जो चिन्ह है इस चिन्ह को भूल जाओ और देखो कि 10 संख्या बड़ी है कि 3 संख्या बड़ी है, मतलब 10 नंबर बड़ा है या 3 नंबर बड़ा है, माइनस को एक मिनट के लिए आप भूल जाओ। तो दोनों को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा 10 है वो क्या है, बड़ा नंबर है, लेकिन जब उसके आगे माइनस लग जाता है राइट, तो वो संख्या क्या हो जाती है, हमेशा छोटी हो जाती है। तो अगर मैं इसको माइनस के साथ देखूंगी तो हमेशा जो मेरी माइनस की बड़ी वाली संख्या होगी वो छोटी हो जाएगी, और जो छोटी वाली संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे माइनस 10 और माइनस 3 में से बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारी, माइनस 3, तो ये जो साइन है ये माइनस 3 की साइड आ जाएगा राइट। ये आगे सभी को समझ में। उसी तरह से एक छोटा सा और एक एग्जांपल बता देती हूं। यहां पे 0 है और यहां पे माइनस 5 है राइट। अब 0 ना तो पॉजिटिव नंबर होता है ना ही निगेटिव नंबर होता है राइट। ये 0 है, ये माइनस 5 है। 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक संख्या होती है। तो आप यहां पे एक चीज और ध्यान में रखिए कि 0 हमेशा निगेटिव नंबर से बड़ा होता है, मतलब 0 जो संख्या होती है वो संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है, चाहे कितनी भी बड़ी ऋणात्मक संख्या क्यों ना आ जाए। यहाँ पे चाहे माइनस 100 हो या माइनस 120 हो, लेकिन वो 0 के आगे क्या होगी, छोटी होगी। तो इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा होगा, 0 बड़ा होगा। तो जो साइन है वो किसकी तरफ आ जाएगा, 0 की तरफ आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया ये? तो ये जो अभी मैंने आपको चीज बताई है इसी के बेस पे हमारा प्रॉब्लम सेट 1.2 है, वही अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रॉब्लम सेट पे, मतलब हमारे प्रश्न संग्रह पे। हमारा प्रॉब्लम सेट नंबर कौन सा है, 1.2, मतलब प्रश्न संग्रह 1.2। अभी प्रश्न संग्रह में कुछ हमको सवाल दिए गए, मतलब प्रॉब्लम सेट में हमको कुछ सम्स दिए गए हैं, हम वो सम्स को क्या करते हैं, अभी जो सीखा है हमने उसी के बेस पे हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे माइनस 7 है और यहाँ पे माइनस 2 है राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या लॉजिक बताया था कि जो माइनस के नंबर्स लगे हैं दोनों साइड कौन से नंबर्स हैं, निगेटिव नंबर्स है, मतलब ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो दोनों तरफ की जो संख्या है, मतलब जो नंबर्स हैं, उसके जो साइंस है, मतलब जो चिन्ह है, वो एक मिनट के लिए आप भूल जाओ। तो भूलने के बाद यहाँ पे कौन सा नंबर आ गया, 7, और यहाँ पे कौन सा नंबर आ गया, 2। तो अब ये सोचो कि 7 नंबर बड़ा है या 2 नंबर बड़ा है, 7 नंबर बड़ा है राइट। लेकिन अगर आप वापस से इस माइनस को यहाँ पे लगा दोगे तो जो 7 नंबर बड़ा हुआ है वो 7 नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और जो 2 नंबर जो छोटा था वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो माइनस 7 और माइनस 2 में से कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा हमारा, माइनस 2। तो हमारा जो साइन है वो किसकी तरफ लगेगा, माइनस 2 की तरफ राइट। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो ये कौन सा फॉर्म हो गया हमारा, रैशनल नंबर हो गया राइट। यहाँ पे 0 है और ये माइनस 9/5 है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो 0 होता है, जो शून्य होता है, वो हमेशा पॉजिटिव नंबर से बड़ा होता है या निगेटिव नंबर से बड़ा होता है, निगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर है, ये निगेटिव नंबर है, माइनस 9/5। तो 0 और माइनस 9/5 में से, मतलब माइनस 9/5 में से कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी, 0 बड़ी हो जाएगी। तो जो हमारा साइन होगा वो किसकी तरफ लगेगा, 0 की तरफ लगेगा राइट। थर्ड क्वेश्चन है 8/7 और यहाँ पे 0 है। देखो ध्यान से, दोनों कौन से नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, मतलब दोनों धनात्मक संख्याएं हैं। 0 है यहाँ पे और यहाँ पे 8/7 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कौन सी संख्या बड़ी होगी, 8/7, मतलब 8/7 वाला जो नंबर है वो बड़ा होगा किससे, 0 से। तो हमारा जो साइन है वो किस तरफ आएगा, 8/7 की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 40/29 और 141/29। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन में जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है वो 29 है और यहाँ का भी डिनोमिनेटर क्या है, 29 है, मतलब यहाँ के हर की संख्या भी 29 है और यहाँ के हर की भी संख्या क्या है, 29 है। तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, समान है, मतलब हर की संख्या समान है। तो जब भी हमारा डिनोमिनेटर, मतलब हर सेम होगा या समान होगा,
तो हम कौन सा नंबर देखेंगे, न्यूमिरेटर का नंबर देखेंगे, मतलब अंश की संख्या देखेंगे। तो इसके न्यूमिरेटर में कौन सा नंबर है 40 और इसके न्यूमिरेटर में कौन सा नंबर है 141, मतलब इसके अंश में 40 है और इसके अंश में 141 है। तो 40 और 141 में से कौन सा नंबर बड़ा होगा, 141 का नंबर बड़ा होगा, मतलब ये संख्या जो है वो बड़ी होगी। तो हमारा जो साइन है, जो हमारा चिन्ह है, वो कौन सी तरफ आ जाएगा, 141 की तरफ आ जाएगा, इस तरह से, राइट। तो अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/12, 7/16। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये क्वेश्चन में डिनोमिनेटर्स क्या है, अलग अलग है। इसका डिनोमिनेटर 12 है और इसका डिनोमिनेटर कितना है, 16 है, मतलब दोनों के हर की संख्या अलग अलग है। तो जब दोनों के हर की संख्या अलग होती है, मतलब अगर दोनों नंबर के डिनोमिनेटर जब अलग अलग होते हैं, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब तिरछा गुणा। 15 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, 16 के साथ, और 12 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, 7 के साथ, मतलब 15 का गुणा होगा 16 के साथ और 12 का गुणा होगा 7 के साथ। तो हम ये गुणा करने के बाद, ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा, फिर वो आंसर में हम क्या करेंगे, उसे कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो चलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले 15 का 16 में हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं, कितना होएगा, 15 का 16 में आप मल्टीप्लाई करके देखो, 16 का 6 80, मतलब 16 5 है 80, 0 1 और 8 बोरो हो गया, तो 16 बन जा 16, मतलब 16 एक 16, 16 में 8 अगर प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 240। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 240। तो चलिए यहां पे लिख देते हैं 240। उसके बाद हमको किसका, 12 का 7 में मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 12 7 से कितना होता है, 12 7 कितना होता है, 84, मतलब 84, राइट। अगर आपको इस तरह से अगर गुणा करने में कुछ डिफिकल्टी हो रही है, अगर आपको टेबल याद नहीं है, मतलब पहाड़ा याद नहीं है, तो आप ऐसे साइड में रफ करके भी आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। अगर करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि कभी कभी टेबल पढ़ने में भी आपको गलती हो जाती है, तो आप बेहतर होगा कि इस तरह से आप रफ करके भी आप उसे गुणा करके देख सकते हो, मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो यहाँ पे 240 आंसर आया और यहाँ पे 84 आया। तो अब हम देखेंगे कि 240 नंबर बड़ा है या 84 नंबर बड़ा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा होगा, 240 का नंबर बड़ा होगा, मतलब 15/12 और 7/16 में से कौन सा नंबर बड़ा होगा, 15/12 का नंबर बड़ा होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर दोनों का डिनोमिनेटर चेंज होगा, मतलब दोनों के हर की संख्या अलग होगी, तो हमेशा हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब तिरछा गुणा करना है। तिरछा गुणा करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो दोनों साइड लिखना और फिर उसे क्या करना, कंपेयर करना। कंपेयर करने के बाद आपको खुद ही आ जाएगा आंसर कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। गॉट इट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -25/8 और यहाँ पे -9/4। तो अगर आप देखोगे तो दोनों, पहले जो दोनों नंबर्स दिए गए हैं वो दोनों नंबर्स क्या है, निगेटिव नंबर है। यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। और एक चीज है यहाँ पे कि दोनों का डिनोमिनेटर भी क्या है, अलग है, मतलब सेम नहीं है। दोनों की जो हर की संख्या है वो भी क्या है, अलग है, मतलब वो भी समान नहीं है। तो जब भी हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमारे अंश की संख्या, सॉरी, जब भी हमारे हर की संख्या अगर समान नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, तिरछा गुणा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो -25 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, 4 के साथ, और 8 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, 9 के साथ। तो चलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -25 का अगर 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आएगा, 5 4 20, 2 बोरो, 4 2 8, 8 प्लस 2 10, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -100, राइट। और 9 का टेबल तो सबको आता है, 9 का टेबल 8 टाइम देखो कितना आता है, 72, 72। लेकिन इसके आगे भी माइनस लगेगा, क्योंकि 9 के आगे माइनस लगा हुआ है, राइट। तो अभी हमें यहाँ पे दो नंबर्स मिल गए, एक हो गया -100 और एक हो गया -72।
तो मैंने आपको बताया था जब भी दोनों साइड माइनस आएगा तो उस समय हमें क्या करना है, एक मिनट के लिए भूल जाना है कि दोनों साइड माइनस है। तो चलिए एक मिनट के लिए हम भूल जाते हैं कि ये दोनों साइड माइनस दिया हुआ है। तो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 72 है, तो 172 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 100 नंबर बड़ा है। तो चलिए अब फिर से हम उसे माइनस लगा देते हैं। तो अगर 100 बड़ा है और उसके आगे माइनस लग गया तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा और जो छोटी संख्या है वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, -72। तो जो हमारा साइन है, जो हमारा चिन्ह है वो किसकी तरफ आ जाएगा, -72 की तरफ आ जाएगा। गॉट इट। तो यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने आपको 6 क्वेश्चंस यहाँ पे बता दिए हैं। इसी के बेस पे आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन आपको क्या करना है, खुद से होमवर्क के लिए ट्राई करना है, राइट। तो अभी ये हमारा जो प्रॉब्लम सेट 1.2 है वो इतना ही है और सबसे इजी है ये, राइट, सबसे इजी है ना। तो हमने ये जो हमारा प्रॉब्लम सेट है, हमारा जो प्रश्न संग्रह है, यहाँ पे हमने फिनिश कर लिया है।